साथियों नमस्कार। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो दुखद खबर आ रही है आपको बता दी, पूनम पांडे दोस्तों अभिनेत्री, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अदाकारा है, और पूनम पांडे की मौत की वजह क्या है, आखिर पूनम पांडे की जो आखिरी तस्वीर है वो किस तरह की थी, दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है। पूरी घटना मैं आपको बता देता हूँ। विवादों में रहने वाली पूनम पांडे की मौत की खबर आई है। पूनम के इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जो कि उनकी मौत की खबर शेयर की गई है, वहीं पूनम की अचानक से मौत के कारण बॉलीवुड इंडस्ट्री में मातम पसर चुका है। दोस्तों पूनम पांडे की मौत पर न्यूज़ की गई है, एक बड़ी जो न्यूज़ है और बहुत दुखद न्यूज़ है। पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, यह सुबह हमारे लिए बहुत ही कठिन है, आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमने सर्वाइकल कैंसर कारण के कारण अपनी प्यारी पूनम को खो दिया। उनके कॉन्टैक्ट में आने वाले हर इंसान उनसे प्यार से मिला। दुख की इस घड़ी में हम जो कि प्राइवेसी की रिक्वेस्ट करेंगे, हम उन्हें द्वारा शेयर की गई हर बात की प्रेम पूर्वक याद करेंगे। पूनम पांडे की मौत की खबर के बाद पूरे उनके जितने भी फैंस हैं वो सदमे में हैं। पूनम पांडे की मौत की खबर को उनकी पीआर टीम ने भी, जो कि न्यूज़ ने भी कंफर्म किया है। हालांकि ये इंस्टा पोस्ट 4 दिन पुरानी है, फेम एक्ट्रेस की मौत की खबर के बाद गहरे सदमे में है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों आखिर पूनम पांडे कौन थी, चलिए ये जानते हैं। पूनम पांडे एक बेहद ही फेमस मॉडल थी। उनकी लोकप्रियता तब आसमान में छू गई थी जब उन्होंने 2011 क्रिकेट विश्व कप फाइनल से पहले एक वीडियो मैसेज में वादा किया, अगर भारत फाइनल मैच जीतता है तो वो अपने कपड़े उतार देगी। आपने इस दावे के साथ वह पहले बार जो कि विवादों में आई थी, और वर्क फ्रंट की बात करें तो पूनम पांडे को आखिरी बार कंगना रनौत के रियलिटी शो में भी देखा गया। पूनम की जो कि सैम बॉम्बे संग शादी विवाह में रही, पूनम में सैम बॉम्बे से शादी कर भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। यह शादी सभी के लिए एक सरप्राइज थी। हालांकि उनकी शादी टिक नहीं पाई और उन्होंने 2020 में ही अपनी शादी के तुरंत बाद अपने पति सैम बॉम्बे पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। साथियों बॉलीवुड इंडस्ट्री से ये बहुत ही दुखद खबर आई है। पूनम पांडे के निधन पर उनको चाहने वाले तमाम जितने भी दोस्त हैं उनको लगातार ही याद कर रहे हैं और उनके लिए RIP कमेंट कर रहे हैं। आप भी उनके लिए RIP मैसेज जरूर छोड़ें, उनको श्रद्धांजलि दें और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनके चाहने वालों को पता लग सके। साथियों आज अचानक से ये खबर आई तो बॉलीवुड के अंदर पूरी तरह से मातम पसर गया। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि पूनम पांडे सचमुच में इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी है, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि पूनम पांडे अब इस दुनिया में नहीं रही। आप भी उनके लिए RIP जरूर कमेंट करें और पूनम पांडे की आत्मा को शांति मिले इसके लिए दुआ करें। दोस्तों मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे जुड़ी हर खबर हर अपडेट आपको मिलती रहे। उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी भी जानकारी हम बहुत जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।